हाँ पुराण कहती है, दधीचि ऋषि का संवाद कहता है, दधीचि ऋषि ने अपनी धर्म पत्नी सुवार्चा से कहा सुनो, अगर जिंदगी में आपने किसी का बुरा नहीं करा तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। थोड़ी हवा चलेगी। अब हवा तो चलती है तो थोड़ा बहुत पर्दा भी हिलता है, टेंट भी हिलता है, सामान जो भी पड़ा है, कपड़ा है, हिलेगा, कोई वस्तु है हिलेगी, हवा चलेगी हिलेगा। पर तुम्हारी अगर पकड़ महादेव से है, तुम्हारी दृढ़ता अगर पक्की है, तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारा भाव शुद्ध है, तुम्हारा विश्वास शुद्ध है, तो थोड़ा डोलोगे जरूर, पर वहीं स्थिर की स्थिर मिलोगे, वहीं स्थिर। डोल जरूर सकते हो पर स्थिरता मिल सकती। तुम्हारे भीतर की जो दृढ़ता है, तुम्हारे भीतर का जो विश्वास है, तुम्हारे भीतर का जो एक दृढ़ विश्वास देवदीदे महादेव के चरणों में विराजमान है, वो तुम्हें डोलन नहीं देगा, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, मेरे महादेव जितने भी असुरों को मारे हैं, जितने राक्षसों को मारे हैं, किसी राक्षस से मेरे महादेव का बैर नहीं था। गीता प्रेस गोरखपुर की ये शिव महापुराण आप भी लेकर आओ, अपने घर में पढ़ो, अध्ययन करो, उसमें आपको मिलेगा कि मेरे महादेव का किसी भी असुर से, किसी राक्षस से बैर नहीं था। जलंधर को मेरे महादेव ने मारा तो केवल देवताओं के लिए, तारकासुर को अगर मेरे षडानंद कार्तिकेय ने मारा तो देवताओं के लिए, भस्मासुर को अगर भगवान ने भस्म किया तो केवल देवताओं के लिए, त्रिपुरासुर को भगवान ने मारा तो केवल देवताओं के लिए, मेरे महादेव का किसी भी राक्षस से, किसी असुर से मेरे भगवान का बैर नहीं था, क्योंकि शंकर जी की आराधना देवता भी करते हैं तो असुर भी करते हैं। कंस भी शंकर जी की पूजन करता था, रावण भी शंकर जी की पूजन करता था, हिरण्यकश्यपु भी शंकर भगवान की पूजन करता था, हिरण्याक्ष भी शंकर भगवान की पूजन करता था, भस्मासुर भी शिव जी की पूजन करता था, ये जितने जितने असुर हुए, तारकासुर, त्रिपुरासुर, जितने जितने भगवान शंकर ने जिनका संहार करा, एक एक का चरित्र उठाकर देखना, भगवान शंकर का किसी से बैर नहीं है, शिव का कोई द्रोही नहीं है। कोई करोड़पति है वो भी शंकर का है, और कोई रोड़पति है वो भी शंकर का है, कोई धनपति है वो भी शिव का है, और कोई कंगाल है वो भी शिव का है। शिव आराधना ऐसा नहीं है कि केवल पैसे वाले व्यक्ति कर सकते हैं, शिव आराधना एक साधारण सा, एक बहुत बहुत साधारण सा, गरीब से गरीब, साधारण से साधारण व्यक्ति भी शंकर की आराधना कर सकता है। इतना तो कर सकता है कि वो मंदिर में कुछ नहीं दे सकता तो मंदिर के सामने से निकल कर जाए, तो मुस्कुरा कर चले जाए, इतने में शिव कृपा कर देता है। और इतना तो सब कर सकते हैं। आपकी मुस्कुराहट तो आप किसी को दे सकते हो, आपके चेहरे की स्माइल तो आप किसी को प्रदान कर सकते हो। आपने दिया उसको अपने भीतर का भाव, वो ये नहीं कह रहा कि मेरे को धन देना कि संपदा देना, वो तो खुद इतना दे देता है, इतना दे देता है कि आपको देने की जरूरत नहीं, वो खुद ही इतना प्रदान कर देता है, खुद देता है।